हेलो दोस्तों तो बहुत सारे छात्रों के द्वारा जिन्होंने यूके पीएससी में टाइपिंग दी है उनके द्वारा पूछा जा रहा था कि जो टाइपिंग हमने लिखा है आठ लाइन दस लाइन सात लाइन तो कितनी लाइंस में लगभग पूरा हो सकता है तो थोड़ा सा उस चीज़ को देखते हैं तो ये जो मैंने टेस्ट दिया था ये उसका आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ठीक है तो लगभग इसमें साढ़े लाइन है और अब आपके उसमें अगर फॉन्ट बड़ा होगा तो लाइन ज़्यादा हो जाएगी है ना तो एक लाइन में भी शब्द आ रहे हैं इसमें लगभग ठीक है तो एक लाइन में आपको पढ़ के बताता हूँ पहली जब मेरा हुलिया देख कर, मेरी बगल में बैठने वाले एक एक करके प्राय सभी व्यक्ति मुझ पर पेशेवर गुंडा या ठीक है तो ये वाली जो फर्स्ट लाइन आ गई ठीक है मैंने इसको हाईलाइट कर दिया तो इस तरीके की लगभग साढ़े आठ लाइन लिखी और मेरी स्पीड जो यहाँ पे दिखाई दे रही है देखो कितनी है फाइव थाउजेंड एट्टी टू है ना यानी पांच हजार की डिप्रेशन पर आर से ऊपर हो चुकी है और जबकि मैंने बहुत ज्यादा स्पीड है नहीं कीबोर्ड में देख के मैंने लिखा था आराम से है ना तो आप अपने शब्दों का अंदाजा लगा दो अगर एक लाइन में बीस शब्द आ रहे तो आठ में कितने हो गए ठीक है एक तो साढ़े आठ में एक सौ सत्तर तो एवरेज यानी जिनका एक सौ साठ से एक सौ अस्सी शब्द के अंदर आपकी पांच हजार स्पीड निकल जाएगी और इससे कम पे भी आप चार हजार चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए चार हजार से चाहे आप थोड़ा भी ऊपर आते हैं जस्ट चार हजार पे आप पास हो बाकी आपकी कितनी भी आती है तो केवल क्वालिफाई करना है ने? तो इस के हिसाब से आप अंदाजा लगा लेना ठीक है यहाँ पे तो देख के ऐसा लग रहा है कि देखो जिसने सात लाइन लाइन भी लिखी है तो आराम से आ जाएगा जब साढ़े आठ लाइन में पांच हजार की स्पीड है एक लाइन कम भी कर दें तो एक हजार कम हो जाएगी लगभग है ना तो सात लाइन भी आप यहाँ से लिख देते हो तो सात दूनी चौदह यानी कि एक सौ शब्द आपके आगे हैं आ चुके हैं लिखे हुए आपने उसमें देखा होगा अगर प्रिंट आउट आपको मिला ही होगा तो उसमें आप देख लेना तो आपका निकल जाएगा देखो मोस्टली निकल ही जाता है बहुत मुश्किल ही होता है जिसकी बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं या कुछ किसी वजह से थोड़ी देर रुकना पड़ता है तभी डिस्कवालीफाई होता है ना तो ऐसा इसमें बहुत ही मुश्किल से होते हैं डिसक्वालीफाई क्योंकि मैंने भी ये तो बहुत ज़्यादा पहले टाइपिंग मतलब नहीं करी थी इसलिए बता रहा हूँ कि की बोर्ड में देख देख के किया था तब भी इतना निकली स्पीड है ना मुझे ये भी था कि अगर टाइपिंग नहीं भी होगी तो नॉन टाइपिंग वाले में तो नाम है तो ये सोच के भी ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं थी इसी वजह से स्पीड भी देखो बॉर्डर में आई है ना तो हो जाएगा मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपने सात आठ लाइन भी लिखी है तो आप क्वालिफाई हो